हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आज हम करेंगे फर्दर कुछ एमसीक्यूज, और हमारा टॉपिक जो एमसीक्यूज का रहेगा वो है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है आई होप सबको आपको मालूम होनी चाहिए। तो क्या होती है वो? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है, इसी के बेसिस पे सारा जो है हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में क्या खास बात होती है कि हर ट्रांजेक्शन के बाद, कोई भी आप ट्रांजेक्शन करो, चाहे छोटी छोटी ट्रांजेक्शन करो, चाहे छोटे अमाउंट की करो, चाहे बड़े अमाउंट की करो, सारी ट्रांजेक्शन के बाद क्या होता है कि ये इक्वेशन हमेशा हमेशा सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर वो आपकी जो है इक्वेशन आपने जो है वो ये आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इट मीन्स आपने कुछ ना कुछ गलत किया है। तो फर्दर आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका गुड्स परचेज फ्रॉम रॉनिन ₹70,000 विल इफेक्ट। मतलब एक ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें क्या है, गुड्स खरीदी है हमने रॉनिन से, तो आपको बताना है इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट जो है वो क्या होगा, है ना। और उसकी ऑप्शन आपको दी हुई है। ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज स्टॉक इंक्रीजेस 70,000, कैश डिक्रीजेस 70,000, स्टॉक इंक्रीजेस 70,000, क्रेडिटर्स इंक्रीज 70,000, स्टॉक इंक्रीज 70,000, कैपिटल इंक्रीज 70,000, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप ट्राई कर सकते हैं, फटाफट से ट्राई करो, ठीक है, देखो, और फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ क्या है। ठीक है, आपको समझना है, जैसे देखना है हमेशा। देखो, डबल एंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम जब हम फॉलो करते हैं तो उसमें हमें ये समझना है कि हर ट्रांजेक्शन के मिनिमम टू इफेक्ट्स होते हैं। तो आपको देखना है वो दो इफेक्ट्स ये ट्रांजेक्शन के कहाँ पड़ेंगे। गुड्स खरीदे हैं रॉनिन से, तो आपको समझना है, देखो, गुड्स खरीदे तो स्टॉक जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। आपके पास गुड्स आ जाएंगे तो आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, और क्योंकि नेम मेंशन्ड है किसी का, तो इट मींस आपने जो ये खरीदे हैं वो क्रेडिट पर खरीदे हैं। तो क्रेडिट पर अगर आपने ये खरीदे हैं गुड्स, तो फिर इसका मतलब क्या है कि आपके क्रेडिटर बढ़ गए, है ना। रॉनिन जो है वो क्या है, क्रेडिटर है, क्योंकि तो आपने फ्यूचर में इसको पेमेंट करनी होगी। तो इसलिए क्या है, आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा वाला सही है, स्टॉक इंक्रीजेस बाय 70,000, गुड्स आए हमारे पास और हमारे क्रेडिटर्स भी 70,000 से बढ़ गए। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा बी। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको ये। तो ऐसे ही फिर हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका आज का। तो पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, जब आप क्वेश्चन को रीड कर लेंगे ध्यान से तो उसके बाद फिर आपको उसको नीचे ऑप्शंस रीड करनी होती हैं, और ऑप्शंस रीड करने के बाद फिर आपको ये अटेम्प्ट करना है ध्यान से। तो क्या है, कमीशन रूपी इफ द कमीशन ऑफ ₹30,000 इज ड्यू बट इट इज नॉट पेड, है ना, ध्यान से समझना। कमीशन ड्यू हो गई है, ड्यू का मतलब होता है कि हमने अभी जो है हमारी पेमेंट जो है वो ड्यू होगी, हमें पे कर देनी चाहिए थी अभी, लेकिन अभी तक हमने उसको पे किया नहीं है। तो इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा ये आपको समझना है। पहला वो कहता है ऑप्शन, एसेट इंक्रीज करेगी, लाइबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, फर्स्ट ऑप्शन है आपकी। सेकेंड ऑप्शन है एसेट डिक्रीज करेगी और लाइबिलिटी भी डिक्रीज करेगी, ये आपकी दूसरी ऑप्शन है। दो ऑप्शन हो गए आपके, ठीक है। और आपका जो ये तीसरा ऑप्शन है वो कहता है कैपिटल डिक्रीज हो गया और लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। लास्ट ऑप्शन आपका कहता है एसेट इंक्रीज हो गया और कैपिटल इंक्रीज हो गया। आपको देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो अब उसके लिए आप देखो, कमीशन ड्यू है बट पे नहीं किए, तो मीन्स आउटस्टैंडिंग कमीशन है ये। तो जो ये आउटस्टैंडिंग कमीशन है आपकी, ये आपकी क्या है, लाइबिलिटी है,
क्योंकि फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी, और कमीशन जो है वो आपका एक्सपेंस होता है, सिर्फ कमीशन। तो इसके दो इम्पैक्ट क्या होंगे, क्योंकि कमीशन एक्सपेंस है तो वो क्या करेगा, आपके कैपिटल को क्या कर देगा, क्या कर देगा, एक्सपेंस है तो कैपिटल को क्या कर देगा, डिक्रीज। ठीक है, और क्योंकि क्योंकि आपकी लाइबिलिटी है, मतलब अभी तो आपने नहीं पी किया पे किया, लेकिन फ्यूचर में तो पे करना है, तो आपकी लाइबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज बढ़ जाएगी। तो ये सी ऑप्शन आपका बनेगा इसमें, कि कैपिटल जो है वो कम हो रहा है क्योंकि कमीशन एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस कैपिटल को कम करते हैं आपके, और लाइबिलिटी जो है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि फ्यूचर में आपको ये कमीशन पे करना पड़ेगा। तो ये आपके इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर है। तो ऐसे ही देखो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, उसका इम्पैक्ट, फिर ऑप्शंस आपने देखनी है कि क्या है, और फिर उसके बाद जो है आप इसका आंसर करेंगे, कोई भी आपका जो क्वेश्चन होगा उसका। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि अ बिजनेस ट्रांजेक्शन में रिजल्ट इन चेंज ऑफ इधर एसेट लाइबिलिटी और कैपिटल ऑफ अ फर्म एंड एज अ रिजल्ट, मतलब अगर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसकी वजह से क्या होगा, एसेट में चेंज आएगा, लाइबिलिटी में चेंज आ सकता है, या कैपिटल में चेंज आ सकता है, किसी भी चीज में चेंज आएगा, तो उसकी वजह से क्या रिजल्ट हो सकता है। टोटल एसेट विल इक्वेट विद टोटल लाइबिलिटीज एंड द कैपिटल, टोटल एसेट्स मोर देन द टोटल लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, या टोटल एसेट विल नेवर इक्वेट विद द टोटल लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। ठीक है, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का क्या रिजल्ट हो सकता है इनमें से। ठीक है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन का बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान से फटाफट से सबका ठीक होना चाहिए, करो जरा अटेम्प्ट। ठीक है, तो आपको समझना, देखो बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिजल्ट शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। अगर ऐसा नहीं है तो इट मींस आपने ट्रीटमेंट में कोई गलती की है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी ए ऑप्शन है वो बनेगी, कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो, एसेट लाइबिलिटी कैपिटल में कोई भी चेंज आए, लेकिन अल्टीमेटली ये इक्वेशन जो है वो आपकी हमेशा जो है वो सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसी से रिलेटेड, जो नेक्स्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा और ये इंफॉर्मेटिव होगा सेशन आपके लिए जो हम कर रहे हैं। तो अब फर्दर हम नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर विच एक्सपेंसेस वर पेड इन एडवांस आर नाउ अवेल्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अगर जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, ठीक है, वो हमने उसके एक्सपेंस जो है वो क्या किए थे, पे कर दिए थे पहले, है ना, और एडवांस में पे कर दिए थे, तो अब उसका, अब हमने वो जो सर्विसेज थी वो अवेल कर ली। ठीक है, तो अब उसका इफेक्ट क्या होगा, एसेट बढ़ जाएगा और लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। एसेट बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ जाएगा, एसेट डिक्रीज होगा और लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, एसेट इंक्रीज होगा और सॉरी एसेट डिक्रीज होगा और कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगा। इनमें से आपको ऑप्शन सोचना है। तो देखो, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस को बोलते हैं प्री पेड एक्सपेंस। अब हमने प्री पेड एक्सपेंस किया था, उनकी फैसिलिटीज हमने यूज कर ली, तो ये प्रीपेड, जब यूज कर ली तो ये ठीक है, ट्रांसफर जिसके लिए बुक कर ली है तो प्रीपेड खत्म हो गया, तो प्रीपेड खत्म हो गया तो हमारी जो एसेट है वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, और एसेट डिक्रीज होने के साथ साथ
दूसरी चीज क्या होगी, आपका कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस जो है, अब एक्सपेंस जो होता है वो हमेशा कैपिटल को आपके डिक्रीज करता है। तो आपने जो जिसके लिए पहले एडवांस में पैसे दिए थे वो अब आपने अवेल कर लिया, तो उसकी वजह से आपके दो चेंजेस होंगे, एक तो आपका एसेट डिक्रीज हो जाएगा और जो कैपिटल भी है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ये दोनों ही चेंजेस आपके होंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा किस लिए। प्रीपेड एक्सपेंस था, प्रीपेड एक्सपेंस है इसलिए आपका जो एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस है, एसेट कम हो गया क्योंकि आपने यूज कर लिया है ना, और एक्सपेंस जो है वो हमेशा आपका कैपिटल को डिक्रीज करता है, तो कैपिटल डिक्रीज हो गया और आपका एसेट डिक्रीज हो गया, क्योंकि अब वो आपका एसेट रहा नहीं बिकॉज आपने उसको अब यूज कर लिया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गुड्स ऑफ ₹50,000 द पेमेंट ऑफ विच इज ड्यू आफ्टर 2 मंथ्स वर सोल्ड टू रौनक। मतलब हमने बेसिकली गुड्स 50,000 के बेचे हैं जिसकी पेमेंट हमें 2 मंथ के बाद जो है वो मिलेगी। तो ये जो एंट्री है कहाँ पे जानी चाहिए, कैश बुक में जानी चाहिए, परचेज बुक में जानी चाहिए, सेल्स बुक में जानी चाहिए या क्रेडिट लेजर में जानी चाहिए। तो ये जो एंट्री है ये कहाँ पे जानी चाहिए हमें ये देखना है। तो आपको समझना है ये जो एंट्री है क्या है, हमने सेल की और सेल कैसे की है। ठीक है, ट्राई करो, देखो वैसे इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सेल किस कैसे करी है, सेल जो है वो क्रेडिट पे करी है, क्योंकि पैसे अभी नहीं है, पैसे पैसे का जो ट्रांजैक्शन होगा वो बाद में होगा, अभी तो सेल हो गया। तो इसलिए इसलिए ये जो क्रेडिट सेल की एंट्री है वो हमेशा कहाँ आती है, वो कहाँ जाएगी, सेल्स बुक में जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा सी। तो ऐसे ही देखो क्वेश्चंस जो हैं बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हुए या ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं या कई बार हम क्वेश्चन को रीड ध्यान से नहीं करते हैं तो दो प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही, सिक्स्थ क्वेश्चन, एज द इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी इंक्रीज्ड बाय ₹2,000। कोई ट्रांजेक्शन हुई जिसकी वजह से लाइबिलिटी जो है वो 2,000 से बढ़ गई एंड एसेट जो है वो भी 2,000 से बढ़ गया। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, कि इनमें से वो कौन सी ट्रांजेक्शन है, क्या हुआ है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है और एसेट भी इंक्रीज हो गया। देखते हैं, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट 2,000, इस ट्रांजेक्शन की वजह से ऐसा होगा। गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड फॉर 8,000, इस ट्रांजेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है। कमीशन रिसीव्ड वर्थ ₹2,000, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है, या बोथ बी एंड सी, ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो यूज हो सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन जो है बी और सी, दोनों की वजह से ऐसा हो सकता है। तो क्या देखना है, एसेट बढ़ा, तो एसेट बढ़ा, देखो गुड्स कॉस्टिंग रुपीज बेच दिया, जब आपने बेच दिया तो स्टॉक जो आपका एसेट होता है वो तो कम हो जाता है, यानी कि ये वाली ऑप्शन तो नहीं हो सकती। कमीशन रिसीव्ड की बात करें तो कैश है, रिसीव किया है तो कैश बढ़ जाएगा, तो इसमें भी एसेट बढ़ रहा है ना। देखो एसेट बढ़ रहा है लेकिन उसका इंपैक्ट, दूसरा इंपैक्ट कैपिटल पे पड़ता है, क्योंकि कमीशन इनकम है तो कैपिटल को इंक्रीज करता है वो, तो ये दोनों ही नहीं हो सकते। अब बचा ये वाला, इसको देख लेते हैं। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स उधार पे खरीदे, उधार पे खरीदे तो गुड्स हमारे पास आ गए तो स्टॉक बढ़ गया, और उधार पे खरीदे तो क्रेडिटर बढ़ गए। तो यानी कि ये हमारा सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को। देखो एसेट भी बढ़ गया और उसकी वजह से आपका क्या हो गया, ये हमारा क्रेडिटर भी बढ़ गए, तो इसका आंसर आपका ए होगा इसका। ठीक है जी, तो ऐसे ही फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अभी क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब क्वेश्चन नंबर 7, आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमनीक
कॉस्टिंग ₹1 लाख फॉर ₹1,05,000, इसका क्या इंपैक्ट होगा? तो देखो हम क्या करेंगे, नीचे के ऑप्शंस जो हैं वो कह रहे हैं एसेट इतना, लाइबिलिटी इतना, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं। एसेट में 1 लाख का इंपैक्ट, लाइबिलिटी में 1 लाख का इंपैक्ट, कैपिटल में जो है वो 5,000 का इंपैक्ट, और एसेट में 5,000, लाइबिलिटी में इतना, कैपिटल में इतना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ये समझना है इस ट्रांजैक्शन के लिए कि आप एनालाइज करो। देखो क्या है, स्टॉक में आप नेट इफेक्ट देखो, एसेट में क्या होगा, स्टॉक जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉक आपका बढ़ रहा है, आप बेच रहे हो तो स्टॉक आपका कम हो रहा है, लेकिन क्योंकि आप रणनीतिक उधार पे बेच रहे हो तो डेटर आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है। इट मींस 1 लाख अगर एसेट में से कम होगा तो 1,05,000 एसेट में ऐड हो जाएगा, तो एसेट में 5,000 का बढ़ जाएंगे, तो 5,000 का इंपैक्ट पड़ेगा एसेट। और ये 5,000 जो का जो डिफरेंस है ये क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट से क्या रहता है, प्रॉफिट से हमेशा आपका कैपिटल इंक्रीज होता है, तो इसकी वजह से आपके दो इंपैक्ट पड़ेंगे, एक तो एसेट आपका इंक्रीज हो जाएगा और दूसरा आपका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा 5,000 से। फाइनल इंपैक्ट पूछा है, एंट्री कैसे कैसे ट्रीट होगी, स्टॉक में भी जाएगी, डेटर में भी जाएगी, कैपिटल में भी जाएगी, जाएगी तीन जगह, लेकिन उसका फाइनल इंपैक्ट यही होगा, एसेट बढ़ जाएंगे और एसेट बढ़ जाएगा और कैपिटल जो है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है आपकी ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या रहेगी, जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपने देखनी है वो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बैड डेट बाय जॉन विक विल इंपैक्ट, बैड डेट किया जॉन विक ने तो कैसे इंपैक्ट हो सकता है, ये समझना आपको। कैश इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, डेटर डिक्रीज हो जाएंगे, कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, दोनों ए और बी गलत हैं या दोनों ही सही हैं, इनमें से आपको इंपैक्ट बताना है, ठीक है। तो ट्राई करो फटाफट से, देखते हैं कौन करता है रिप्लाई। अब इसमें देखो क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, बैड डेट आपका लॉस होता है, तो लॉस की वजह से कैपिटल आपका क्या होना चाहिए, कम, तो एक इंपैक्ट तो ये है, कैपिटल डिक्रीज। और दूसरा क्या है, जॉन विक जो है वो क्या है, जॉन विक ने पैसे नहीं दिए, तो जॉन विक ने पैसे नहीं दिए तो एक तो उससे क्या हो गया, लॉस हो रहा है तो कैपिटल कम हो गया, दूसरा हमारे डेटर जो हैं, डेटर हमारे क्या होते हैं, एसेट, तो डेटर भी अब कम हो जाएंगे क्योंकि उनसे हमें पैसे नहीं मिलेंगे, तो इसके हिसाब से डेटर डिक्रीज, कैपिटल डिक्रीज, ये आपका बी जो है, ये ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ये जो है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे ही देखो हमेशा जो है क्वेश्चन आपको ध्यान से रीड करना है, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से रीड करोगे तो फिर जो है आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट जो है वो कर सकते हैं, अदरवाइज क्या होता है कि अदरवाइज फिर आप जो है क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर आप ध्यान से नहीं रीड करेंगे क्वेश्चन को तो यू कैन गेट कंफ्यूज्ड, है ना, तो इसलिए क्वेश्चन ध्यान से रीड करना बहुत जरूरी होता है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है छोटा सा, ठीक है, इसमें आपने सुना फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, कैपिटल आपको दिया हुआ है, क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं, रेवेन्यू दिया हुआ है 1 लाख रुपया, एक्सपेंस दिए हुए हैं और वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया हुआ है 20,000, और आपको क्या बोला है टोटल एसेट निकाल दो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें अगर आपको आता है तो आप ट्राई करो, नहीं तो मैं बता देता हूँ, इसमें ऑप्शन है कि ए 80,000, 160,000, 80,000 और 140,000। तो अब इस क्वेश्चन के को करने के लिए जो है आपका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, क्या फॉर्मूला लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले अगर आप ट्राई कर सकते हो उसको ट्राई करो, अदरवाइज फिर मैं आपको ये क्वेश्चन कैसे होगा ये बता दूंगा, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला आपने जो है वो याद रखना है, ठीक है। तो वो कैसे करना, देखो बेसिक तो एंट्री आपकी यही रहेगी, टोटल एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये आपको मालूम ही है,
अब अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करना है, देखो आपको समझना है कि क्रेडिटर्स दिए हुए, टोटल एसेट निकालने हैं हमें फर्म में ना, तो क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, कैपिटल दिया हुआ है, और कैपिटल में देखो प्रॉफिट और रेवेन्यू। प्रॉफिट कैसे आता है? प्रॉफिट हमेशा रेवेन्यू में से आप एक्सपेंस माइनस कर दो तो आपका प्रॉफिट आ जाता है। रेवेन्यू में से अगर आप एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन पे चले जाएं, ठीक है, वापस अगर हम क्वेश्चन पे जाएं, देखो ये फॉर्मूला हमने लगाना है, तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल भी दिया हुआ है, ठीक है, और क्रेडिटर्स भी दिए हुए हैं, और यहाँ पे प्रॉफिट भी दिया हुआ है। ये देखो ये रेवेन्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इनकम, है ना। तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा 20,000। फिर ये सारी वैल्यूज जस्ट आप जो है नेक्स्ट फॉर्मूले में अगर आप डाल देंगे इसमें, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, आंसर आपका है बी 1,60,000। वो आएगा कैसे देख लो, क्रेडिटर 6,000 के डाल दिए, ठीक है, और ये आपका 80,000 प्लस, सॉरी 10 कम है यहाँ पे ना, 60,000 हो गए, 6,000 है, 60,000 है क्रेडिटर्स, ठीक है। तो 60,000 के क्रेडिटर हैं, 20,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, और 80 प्लस 20 1 लाख, और 1 लाख में 60,000 ऐड करेंगे तो 1,60,000 आ जाएगा। तो बेसिक आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें जो प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में भी, कैपिटल में आपको ऐड करना है, ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन, ठीक है जी। तो अब आपके आज के क्वेश्चंस थे, ठीक है, ऐसे ही फर्दर क्वेश्चंस हम लाते, मैं लाता रहूंगा आपको अलग अलग टॉपिक से। कौन से क्वेश्चंस हैं ये? वो क्वेश्चंस हैं जो आप, जो जिनके बेसिस पे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, फिर नेक्स्ट वीक हम फिर